भोपाल के बिलखेरिया में नवनिर्वाचित सरपंच के घर शनिवार देर रात डकैती पड़ गई है। दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे डकैतों ने सरपंच के बेटे को पहले तो चाकू की नोक पर रखा, फिर कोई केमिकल सुंघा कर बेहोश कर दिया था। बेटा घर पर अकेला ही था। रविवार सुबह उसे होश आया, तब घटना का खुलासा हुआ। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घर से 2.5 लाख रुपए कैश और गहने लेकर भाग गए हैं। ग्राम बिलखेरिया में रहने वाले मिश्री लाल गुर्जर हाल ही में चुनाव में सरपंच बने हैं। गांव में शनिवार रविवार की रात उनका 25 साल का बेटा रवि घर पर अकेला था। उसने पुलिस को बताया कि रात 2 से 3 बजे 4 से 5 लोग घर में घुसाए। दरवाजा टूटने से उसकी नींद खुली, उठकर देखा तो सभी हथियार लिए खड़े थे। वह कुछ बोल पाता इससे पहले ही एक ने चाकू उड़ा दिया। इसके बाद उन्होंने उसे कुछ सुखा दिया और वह बेहोश हो गया। घर से 2.5 लाख रुपए कैश और जेवर गायब है। बिलखेरिया पुलिस का कहना है कि आरोपियों की संख्या 4 थी। अभी घर से गई रकम का पता नहीं चल पाया है। परिजन के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। बयान लेने के बाद ही रकम के बारे में पता चल पाएगा। पुलिस के अनुसार रात को जब आरोपी घुसे तो रवि की नींद खुल गई थी। उसने बताया कि उसकी आरोपियों से झूमाझटकी भी हुई, लेकिन किसी ने उसे कुछ सुखा दिया जिससे वह बेहोश हो गया था। इसके बाद उसे कुछ पता नहीं चला। उसको झूमाझटकी करी, चाकू उड़ाया और कम से कम 8 लाख का मेरा गहना पैसा सब चला गया।